जय छात्र, सभी का स्वागत है। और हम लोग आपके साथ फिर से जीएस जीके की महत्वपूर्ण सीरीज लेकर आए हैं, जहां से आपके परीक्षा में सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। आप सभी साथी कॉपी कलम के साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये सीरीज जो है यहां से आपके परीक्षा में कई बार सीधे सीधे सवाल पूछे जा चुके हैं। तो जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, फिर सभी इस बात को ध्यान दें कि जहां भी आपको जरूरत लगे कि यहां से प्रश्न इंपॉर्टेंट है सर, यहां से प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो आप कॉपी कलम लेकर सीधा सीधा उसको स्क्रीनशॉट करते चलिएगा। और जैसे ही क्लास खत्म हो गया, उसके अंत में आप सभी को पूरी इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ताकि आप इसकी तैयारी आसानी से कर सके। और इसकी जो पीडीएफ है पूरी, वो टेलीग्राम पर आपको मिलेगी, ई लर्निंग पे दुर्गेश पर। एक एक करके हम प्रश्नों की बात करें, तो पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पे है, कह रहा है कि प्राचीनतम पुराण है जी, काफी इंपॉर्टेंट, काफी अहम है ये, कई बार आपके पूछा जा चुका है कि जो प्राचीनतम पुराण उसका नाम क्या है, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण। तो जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, वे फटाफट कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके इसका जवाब जरूर देंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को हमारे साथ देख रहे हैं या हमारे साथ बने हैं। एकदम सही जवाब आप लोगों ने दिया है, मतलब जितने भी साथी मित्र यहाँ पे इन प्रश्नों को पढ़ रहे हैं, उनके जवाब जो है वो पूरे फैक्ट और सबके पूरी तरह से सही जवाब आए हैं। जी हाँ, यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है। इस प्रश्न का उत्तर होगा मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में किस चीज का वर्णन था, कमेंट करके बताइएगा कि मत्स्य पुराण में क्या विशेष और बेहतर था। पूर्व पाषाण काली मानव का मुख्य धंधा क्या था, अगर बात किया जाए जो पूर्व पाषाण काली मानव थे उनका मुख्य धंधा क्या था। जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, फिर सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। जी हाँ, क्योंकि अब की बार एक्सिट हमारे के सेशन में, इस सीरीज में, हम लोग इस वीडियो को पूरा पूरा पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ से जितने भी सवाल आते हैं उन सबके जवाब भी पूरी तरह से दे लें। जी हाँ, अगर पूर्व पाषाण काली मानव के धंधे की बात करें, कृषि था, पशुपालन था, शिकार करना था, मिट्टी के बर्तनों का निर्माण करना, सभी ने इस प्रश्न का जवाब दिया, लेकिन इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो था सी, शिकार करना। अगर आप सभी ने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है, शिकार करना, इसका मतलब आपका जवाब पूरी तरह से सही। आप लोग इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। फटाफट अंदाजे पढ़ेंगे, ये टॉप के 150 सवाल है। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है, भारतीय गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, अफगानिस्तान में। सभी सदस्य जवाब देंगे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट कमेंट करिएगा और वीडियो को फटाफट अंदाज में अपने सभी मित्रों को शेयर भी जरूर करिएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। एकदम सही आप लोगों ने जवाब दिया, ये भारत के, जी हाँ एकदम सही जवाब लोगों ने दिया है कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। और मोहनजोदड़ो की बात की जाए तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हुए, अगला सवाल आपके सामने यहाँ पे मिलान करने के लिए है, कौन से जो कूट हैं जिनको हम एक तरह से मिला सकते हैं। तो जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, वे सभी साथी मित्र इसका जवाब जरूर देंगे अपने सभी साथी मित्रों के साथ, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमारे के सेशन हम लोग एक एक करके पढ़ रहे हैं। सभी लोग फटाफट जवाब दीजिएगा। देखिए, अथर्ववेद की बात करें, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, वेद चार है, सबसे पुराना वेद कौन सा है, क्या क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें जानते हैं जो सामवेद है, सामवेद क्या है, इसमें संगीत और संगीत का जनक जो है सामवेद को कहा जाता है। दूसरी है ऋग्वेद है, अगर ऋग्वेद की बात की जाए तो इसमें ईश्वर की महिमा और प्रार्थनाएं हैं। अथर्ववेद की बात की जाए, अथर्ववेद में क्या है, सभी लोग जानते हैं कि इसमें औषधियां हैं, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण है। और यजुर्वेद में क्या है, इसमें बलिदान एवं विधि कर्मकांड। इस हिसाब से बताइए इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर क्या होगा। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वे सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। सभी लोग फटाफट अंदाज में जवाब दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। एक बार सभी लोग फटाफट अंदाज में जवाब दीजिएगा कमेंट करके। एक मिनट का थोड़ा सा समय लेंगे, कि थोड़ा सा हमें लग रहा है कि लैग हो रहा है। एक मिनट का आप लोगों में समय चाहूँगा, यहाँ पे जितने भी लोग इस सेशन में जुड़े थे, मैं चाहूँगा कि मैं आप लोग का थोड़ा सा समय लेना चाहूँगा। हाँ, आप लोग इस बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब बीच में यहाँ पे लैकिंग होने की वजह से हम लोग क्लास को भी कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। बस बस जस्ट मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, एक एक करके प्रश्नों को देखते रहिए। मैं एक काम करता हूँ कि मैं नेक्स्ट प्रेस कर देता हूँ। अब ये सामने तीन प्रश्न हैं, तीनों प्रश्नों का जवाब देते रहिएगा। जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, चाहे इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप जहाँ भी देख रहे हैं ना, सभी लोग फटाफट अंदाज में जवाब देते रहिएगा। सभी लोग, चाहे इसे फेसबुक पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर, कहीं भी देख रहे हैं, ये निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए काफ़ी अहम और काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक मिनट के लिए, थोड़ा सा लैग हो रही है क्लास, उसके लिए थोड़ा सा देरी होगी आपको, एक दो सेकेंड का। हाँ, एक दो सेकंड में और आप चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे लैकिंग की समस्या आ रही है, क्योंकि सर्वर की है। आप तीन प्रश्न आपके सामने आपके बोर्ड पर खुले हैं, आप सभी लोग तीनों प्रश्नों के जवाब पूरी तरह से देते रहिए जितने भी लोग वीडियो में बने हुए हैं। जी जी हाँ, ये थैंक यू आपका काम, समय जो है यहाँ पे। हाँ चलिए, ये हो गया आपका, ठीक है। अब ये करके आपके सामने सवाल है और इन सभी सवालों के जवाब दीजिएगा। मैं आपका समय लेता हूँ।
आलार कलाम कौन थे? सभी लोग जवाब दीजिएगा कि आलार कलाम कौन थे, बुद्ध के शिष्य थे, बुद्ध के गुरु थे। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा कि सभी लोग जरा फटाफट कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आलार कमाल कौन थे, ये बुद्ध के गुरु थे। अब थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी। अगला है प्रभास गिरी का, जिनका तीर्थस्थल वे हैं बौद्ध शैव वैष्णव जैन, बताइए प्रश्न नंबर 6 का, सभी साथी जवाब दीजिएगा प्रश्न नंबर 6 का क्या होगा। यहाँ पर हम बात करें कि प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं जैन, वे क्या हैं जैन हैं। किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है, हविष्क को, कनिष्क को, भीम कंडिफिसेस को, कुजुल कंडिफिसेस को? सभी लोग जवाब दीजिए, बहुत आसान सा प्रश्न है। तो भीम कंडिफिसेस को सबसे पहले सोने के सिक्के का श्रेय दिया जाता है। तो जितने भी लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर बताया है उन सबके जवाब पूरी तरह से सही। एक बार अपने मित्रों को, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, उसके बाद इस क्लास के अंत तक सभी लोग बने रहिएगा। हम बढ़ते प्रश्न नंबर 8 की तरफ। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कारण नहीं था? तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे फटाफट बताएं निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण नहीं था। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी फटाफट अंदाज में जाएंगे और फटाफट इस प्रश्न के जवाब जरूर देंगे। तो बताइए फटाफट कमेंट करके सब लोग। तो यहाँ पर प्रश्न का उत्तर होगा अरब आक्रमण। अगर यहाँ पर आप लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर डी दिया है, आप सबके जवाब पूरी तरह से सही है। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? ध्यान दीजिएगा, आपके सामने यहाँ पर कई सारे प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को ध्यान से देखकर बताना है। बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी। तो सभी लोग फटाफट जवाब दीजिएगा कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं फिर सभी लोग एक बार वीडियो को पहले तो शेयर भी करते रहे, चाहे फेसबुक पर देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं, सभी साथियों का जवाब सही आ रहा है। जी हाँ, अगर हम यहाँ पे प्रश्नों की बात करें तो आप लोगों के प्रश्न यहाँ पे सही है, अलाउद्दीन खिलजी एकदम सही जवाब आप लोगों ने दिया है, डी अलाउद्दीन खिलजी। उन्हें जितने मित्रों का, साथियों का यहाँ पे प्रश्न का उत्तर डी था, उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही थे। थोड़ा सा आप लोग को लग रहा होगा कि थोड़ा सा डिले कर रहे हैं सर क्लास, लेकिन एक मिनट का थोड़ा सा इसलिए ले रहा हूँ समय क्योंकि एक मिनट क्योंकि एक क्लास आपकी लैग हो रही थी और नेटवर्क की समस्या आ रही थी इसी वजह से, लेकिन अब वो समस्या समाप्त हो चुकी है इसलिए अब आपको दिक्कत नहीं होनी है। अब अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं सभी लोग के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के मध्यकालीन शासक को एकता व्यवस्था की प्रारंभ किसने की? बहुत बार पूछा जाता है, एनसीईआरटी का प्रश्न है और एनसीईआरटी में भी पूछा जाता है, तो फटाफट बताइए। डीके जी हैं, ठाकुर हिमांशु जी हैं, प्रिया जी हैं, विपिन जी हैं, श्वेता है, समिति हैं, सभी लोग जवाब दीजिएगा। कुछ साथी इसको फेसबुक पर भी देख रहे हैं तो सभी साथी इसका जवाब जरूर देंगे। यहाँ पर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, अल्तुतमिश। एकता व्यवस्था की हम बात करें तो अल्तुतमिश, ठीक है, इनका जो शासनकाल था ये 1210 से लेकर 36 तक था। बीजापुर का गोल गुंबद किसका मकबरा है, ताज सनटावर का, मोहम्मद आदिल शाह का, आदिल शाह प्रथम का, इसमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर होगा मोहम्मद आदिल शाह। मतलब अगर आपने इस सवाल का उत्तर बी दिया है तो आपका जवाब पूरी तरह से सही और सत्य है। जी हाँ, एकदम सही आप लोगों ने बताया है, जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, द्वैतवाद मध्य सही है, द्वैताद्वैत निम्बार्क सही है, श्रुताद्वैत रामानुज सही है, केवलाद्वैत शंकर गलत है। यही इस प्रश्न का उत्तर गलत है और यही आपका सही है। अगला है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था, सभी लोग जवाब देंगे जो मुगल शासन प्रशासन में मुहतसिब क्या था, सेनाधिकारी, विदेश विभाग का मुख्य, लोक आचरण अधिकारी, पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी? अगर प्रश्न नंबर 13 की बात करें तो एकदम सही आप लोगों ने बताया है, लोक आचरण अधिकारी, एकदम सही जवाब आप सभी का। जितने लोगों ने प्रश्न का उत्तर सही जवाब दिया है उन सबके जवाब पूरी तरह सही। जरा आप लोग कमेंट करके बताइए कितने लोग को समझ में आ रहा है ताकि हम और आगे बढ़े। सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। अगला आपके सामने है, कह रहा है मुगल काल में मकबरों के स्थान के अनुसार इसमें सुमेलित करना है, बाबर का, शाहजहां का, औरंगजेब का, शेरशाह सूरी का? तो जो बाबर का मकबरा है काबुल में है, मोस्ट आईएमपी, अगर बाबर की बात करें तो ये आपका काबुल में है। सबसे शेरशाह सूरी रख लीजिए, ये कई बार आपका पूछा है, शेरशाह सूरी कहाँ पर है, सासाराम में है। औरंगजेब का कहाँ पर है, औरंगाबाद में है। शाहजहां कहाँ पे, आगरा। अब आप बताइए सही प्रश्न का सबसे सही उत्तर क्या, अगर आपको इससे पूछा जाए कि आप लोग बताइए जरा किस प्रश्न का सबसे सही और सटीक उत्तर क्या है, तो आप इस प्रश्न का कमेंट करके क्या जवाब देंगे? तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना सभी साथी कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करके जवाब जरूर देंगे, क्योंकि मैं आप चाहता हूं कि जितने भी साथी मित्र देख रहे हैं वीडियो फेसबुक पे लाइव चल रहा है या प्रश्न वीडियो जो है यूट्यूब पर आपके साथ लाइव चल रहा है, तो सभी लोग जितने भी साथी मित्र हैं वे सभी ऐसे प्रश्नों के जवाब देते फिर और एक एक करके कदम दर कदम हमारे साथ आगे बढ़ते रहें, क्योंकि हमने कई बार आपके लिए प्रयास किया है कि हम आपके ऐसे प्रश्नों के सीरीज लेकर आएं जो आपके परीक्षा में बार बार पूछी जाती है, माने यू कहें जहां से आपके परीक्षा में बार बार सवाल आते हैं, क्योंकि ये सीरीज काफी अहम है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण है।
चलिए, मैं आपका ज़्यादा समय भी नहीं लूँगा, क्योंकि आपको लग रहा होगा सर शेयर ही ज़्यादा कर रहे, क्योंकि अभी आखिरी बार, इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कथा आपकी, तो फिर अब अंत करेंगे सीधा। चलिए, हाँ एकदम सही है, आप लोग का जवाब सही आ रहा है। अगला है आपके सामने, मद्रास की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट सवाल है ये, पूछा जाता है कि मद्रास की स्थापना किसने की थी। ये कुछ लोग के हल्के सवाल है, कुछ लोग के लिए भारी सवाल है, तो जरा बताइए कि मद्रास की स्थापना किसने की थी? जॉब चार्ना, क्लाइव, कुलबर्ट और फ्रांसिस डे। मेरा जब आपसे प्रश्न है, कोलकाता की स्थापना किसने की थी? कोलकाता की स्थापना, तो जितने भी साथी मित्र हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वे सभी लोग जवाब देंगे कि कोलकाता की स्थापना किसने की थी? जाप चारनाक, क्लाइव, कोलबर्ट या फ्रांसिसी डे। सभी लोग जवाब दीजिएगा, कोलकाता जवाब कमेंट करिएगा, और मद्रास की होगा फ्रांसिसी डे। अगला है, मुतखब उल लुबाब रचना किस मध्यकालीन लेखक की है? बदायूनी, अब्दुल लकी खां, खाफी खां, इसहाक खां। तो सभी लोग जितने भी साथी इस प्रश्न को देख रहे हैं, सभी लोग फटाफट अंदाज में जाएंगे और जवाब देंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, यूट्यूब पे जो देख रहे हैं शेयर करिए, पैसे नहीं कटेंगे आपके। काफी खा इस प्रश्न का सही जवाब है सी। अगर आपने जवाब दिया तो इस प्रश्न का उत्तर पूरी तरह से सही है सभी लोग का। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके सामने, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? मोस्ट टाइम भी किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? गुरु नानक जी, तेग बहादुर, हरगोविंद सिंह, गोविंद सिंह। सभी लोग जवाब दीजिएगा, जितने भी लोग हमारे साथ सेशन को पढ़ रहे हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ये लोग फेसबुक पे भी वीडियो लाइव चल रहा है, यूट्यूब पर भी ये वीडियो अपने लाइव चल रहा है। एकदम सही आप लोगों को जवाब दिया है, गोविंद सिंह। इसकी स्क्रीनशॉट करते चलेगा जितने भी लोग देख रहे हैं। दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का मतलब क्या था? पूर्ण स्वतंत्रता था, सुशासन था, आर्थिक स्वतंत्रता था, राजनीतिक स्वतंत्रता था। दादा भाई नौरोजी का आधार बताइए, आधुनिकवाद के इतिहास का सवाल है और सभी को इस प्रश्न का उत्तर पता होना चाहिए। जी हाँ, आर्थिक स्वतंत्रता, मतलब इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आपका सी। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर सी बताए हैं तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। जितने भी लोग साथी मित्र इस प्रश्न को देख रहे हैं, उन सबके जवाब यहाँ पर पूरी तरह से सही है। सभी लोग ध्यान से एकदम जवाब दे रहे हैं। अगला है प्रश्न आपके सामने, मंगल पांडे सिपाही थे, नवी नेटिव इन्फेंट्री का, 49वीं नेटिव इन्फेंट्री का, 25वीं नेटिव इन्फेंट्री का या 34वीं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का, मतलब इस सवाल का उत्तर क्या होगा? डी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मैं चाहूंगा कि जितने भी साथी इस प्रश्न को देख रहे हैं, वे सभी साथी इसका जवाब दें। एशियाटिक सोसाइटी या मुंबई 1804, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी या ग्रेट ब्रिटेन 1823, ये नोट्स में लर्निंग विद दुर्गेश के। एसीआरटी सोसाइटी ऑफ बंगाल 1884, लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये गलत है, और जो गलत है वही यहां पर आपका सही है। अगला है, शेरे पंजाब के नाम से कौन जाना जाता था? एकदम हलवा सवाल है, जितने भी लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, वे सभी इस प्रश्न का जवाब बहुत आसानी से दे लेंगे। तो आप भी कमेंट करके बताइएगा कि शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? राजगुरु, लाला लाजपत राय, उधम सिंह, भगत सिंह। तो एकदम हलवा सवाल है, बताइएगा। जी हाँ, जब 4-9 कोलकाता की स्थापना की थी, सही जवाब है। स्मृति जी एकदम सही जवाब आपने दिया है, और श्वेता जी ने भी इसका जवाब सही दिया है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा लाला लाजपत राय, मतलब अगर आप सभी ने इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है तो आपका जवाब पूरी तरह से सही है। अगला सवाल आपके सामने है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा और मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। यहाँ पर आपको मिलान करना है, अभिनव भारत, अनुशीलन समिति, गदर पार्टी, स्वराज पार्टी, अरविंद घोष, लाला हरदयाल, सीआर दास, वीडी सावरकर। तो सभी लोग बताइएगा, अभिनव भारत समाज, वीडी सावरकर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, दूसरा है गदर पार्टी। गदर पार्टी की अगर मैं बात करूं तो गदर पार्टी, राधा हरदयाल, बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें स्वराज पार्टी की, अगर हम सब स्वराज पार्टी की बात करें तो सी आर दास। अब आपके बाद बता अनुशीलन समिति, अरविंद घोष, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, मैं आपसे बार बार कहूंगा, ये कूट में भी पूछे जाते हैं, ये मिलान करने में भी पूछे जाते हैं, और सीधा सीधा सिंगल प्रश्न में भी पूछे जाते हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा सभी लोग। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है आपके हिसाब से? ए का डी, ए का चार, ए का चार, ए का चार, बी का एक, बी का, ठीक। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका? डी। तो कितने लोग का ये जवाब यहाँ पर सही था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, हम बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ जो आपके सामने है। किस नेता ने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न नंबर 23 का जवाब वे सभी लोग देंगे, जितने लोग इस वीडियो को पढ़ रहे हैं, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। जी हाँ, एकदम सही जवाब है दादा भाई नौरोजी, मतलब अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर बी दिया है तो आपका जवाब सही है। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? सचिंद्रनाथ सान्याल, एम एन राय, सोमेंद्रनाथ टैगोर, इंद्र सेन। तो एम एन राय। अगला है, अब यहां तक 24 सवाल हम लोगों ने इंपॉर्टेंट
इतिहास के पढ़ लिए, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत के इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आपके साथ भूगोल के सवाल की तरफ, जियोग्राफी के लेकर। तो अगला सवाल आपके सामने है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों को अलग करते, एकदम हलुआ सवाल है, एकदम सरल सवाल है, जो लोग भी थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे स्पष्ट के जवाब आसानी से दे लेंगे कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों को अलग करती है। सभी लोग फटाफट जवाब देंगे जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ देख रहे हैं। जी हाँ, एकदम सही जवाब आपने दिया है कि भारत और चीन को, एकदम हलवा जवाब है। मतलब इस प्रश्न को अगर आप नहीं बता पाते हैं तो मतलब एक अच्छा पांच के सवाल है, अच्छा पांच से चार के बच्चा आसानी से बता लेंगे। ठीक है, हम बढ़ते हैं फिर से नए सवाल की तरफ जो आपके सामने है। 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है? उत्तरी अंडमान और दक्षिण अंडमान को, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार को, लक्षद्वीप और मिनिकाय को, लिटिल अंडमान और कार निकोबार को। यह भी लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में आपको आसानी से मिल जाएगा, ज्यादा खोजना नहीं पड़ेगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा लक्षद्वीप और मिनिकाय को। मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते थे पेंजिया, पैंथालासा, लॉरसिया, गोंडवाना। तो बताइए सभी लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी सही जवाब देंगे फटाफट कमेंट करके। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल खंड था जिसे हम पेंजिया कहते थे, ठीक है कहते, और विशाल भूखंड था, और जो पैंथालासा था ये जल का विशाल सागर था। मतलब इस पेंजिया के चलते, जैसे यहां पर अगर हम बात करें तो ये हमारी पृथ्वी हो गई, बीच में ये हमारा पेंजिया था, ये हमारा पेंजिया था, और ये जो था ये पैंथालासा था, ये जो हमारा था, ये हमारा जो था ये पैंथालासा था, ये हमारा पैंथालासा था। बाद में दो भागों में टूटता है, ठीक है। तो लारिसिया गोरान, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। हम लोगों ने भूगोल के सेशन में इस पर चर्चा किया, भूगोल सेशन में इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा भी है। यहां तक किसी के मन में कोई सवाल, कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। हम बढ़ रहे फिर से नए सवाल की तरफ जो आपके आगे। हिमालय का सर्वाधिक ऊंचा भाग विद्यमान है, हिमालय का सर्वाधिक ऊंचा भाग विद्यमान है पंजाब हिमालय में, कुमायू हिमालय में, नेपाल हिमालय में, असम हिमालय में। प्रश्न नंबर 28 के जवाब और सभी साथी मित्र देंगे जो लोग इस वीडियो को हमारे साथ बने हैं। जी हां, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि हिमालय सर्वाधिक ऊंचा भाग जो है वो नेपाल हिमालय में है। सी वालों का जवाब यहां पर एकदम सही है। भारतवर्ष के पश्चिमी तटीय निम्नलिखित शहरों पर विचार कीजिए, जंजीरा, कन्नूर, नागरकोयल, सिंधु, दुर्ग। तो जितने भी साथी हमारे साथ बने हैं वे सभी सेशन के अंत तक भी बने रहिएगा। जी हाँ, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा, उत्तर से दक्षिण इन नगरों का सही क्रम क्या होगा। आइए इनके सही क्रम की बात करते हैं। अगर हम इसके उत्तर से दक्षिण नगरों के सही क्रम की बात करें तो यहां पर आपका हो जाएगा जंजीरा, नागर, एक मिनट रुकिए, जंजीरा, सिंधुदुर्ग, कुन्नूर और नागरकोयल, ठीक है। तो यहां पर होगा, इस हिसाब से प्रश्न का उत्तर क्या होगा जरा कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित राज्यों में किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। देखिए इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं टेलीग्राम पर सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस के, ई लर्निंग विद दुर्गेश से ज्वाइन कर लीजिएगा। अधिकतम औसत वर्षा होती है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, केरल, जम्मू एंड कश्मीर, सभी जवाब दीजिएगा। अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है, अगर अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा पूछा जाएगा तो यहां पर प्रश्न का जो सबसे सही जवाब होगा वो होगा आपका सिक्किम। अगर आप लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर बी जवाब दिया है तो आप सभी का जवाब पूरी तरह से सही है, ठीक है। जी हाँ, एकता, प्रिया, स्मृति, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं फेसबुक पे, जो देख रहे हैं मोनू जी, सभी लोग वीडियो को शेयर करिएगा और सवाल के जवाब देते रहिएगा स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि बहुत सारे लोग जवाब ही नहीं देते। अगला है, निम्नलिखित देशों में किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्र का 70% भाग वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान देता है? मालदीव, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान। भारत का पड़ोसी देश है भूटान, याद रखिएगा 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान देता है। अगला है, कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, सिक्किम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में। यहां पर प्रश्न का सही उत्तर होगा
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अर्थात सवाल का सही उत्तर क्या होगा? ए। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर ए जवाब दिया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ रहे फिर से नए सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, हजारी बीजापुर जमशेदपुर गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई थी? तो सभी लोग जवाब दीजिएगा। यहाँ पर इंडियन ऑयल कंपनी द्वारा, ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा। जी हाँ, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा। ग्रेट दक्कन रोड कहां से कहां तक जाती है? सभी लोग जवाब दीजिएगा। कोलकाता से अमृतसर, मिर्जापुर से बंगलुरु, चेन्नई से मुंबई, पठानकोट से जम्मू। यहाँ पर प्रश्न का उत्तर होगा मिर्जापुर से बंगलुरु, मतलब बी वालों के जवाब यहां पर पूरी तरह से सही है, जितने भी लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर जवाब दिया है। ठीक है, अगला आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सभी लोग बताइएगा। गोवा, कोंकणी, मेघालय, खासी, नागालैंड, सिक्किम, तिब्बती। अब सभी जो जवाब दीजिएगा, जितने भी लोग इस प्रश्न को देख रहे हैं वे सभी कमेंट करिएगा। गोवा की कोंकणी, मेघालय की खासी, भाषा नागालैंड की अंगामी है, सिक्किम की तिब्बती है। यहां पर इस प्रश्न को जरा बताइएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आपके हिसाब से, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। ब्लैक होल के सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है तो आपका जवाब सही। मेरा सवाल आपसे है 35 कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? गोवा, कोंकणी, मेघालय की खासी, नागालैंड की अंगामी, सिक्किम की तिब्बती। तो जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी लोग इस सेशन में बने हैं, वे सभी कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। तो फटाफट सभी लोग जवाब दीजिएगा, जितने भी लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम अगले सवाल की तरफ बढ़े। प्रश्न नंबर 35 आपके लिए सवाल है, इसका जवाब आपको जरूर देना है। एक सवाल आपके सामने दिख रहा होगा कि दोपहर 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है? पश्चिम में, पूर्व में, दक्षिण में, नहीं देखा जा सकता। तो सभी साथी जवाब देंगे, जितने भी लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं। जी एकदम सही आपने जवाब दिया है, नहीं देखा जा सकता। जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर डी दिया है, उन सब के जवाब पूरी तरह से सही है। सर्वाधिक मौसमी विशेषता पाई जाती मध्य अक्षांशों में, निम्न अक्षांशों में, उच्च अक्षांशों में, ध्रुवीय प्रदेशों में। तो सर्वाधिक जो मौसमी विशेषता पाई जाती है वो मध्य अक्षांशों में पाई जाती है। साइक्लोन है, मंगल अभियान भेजा गया, शुक्र मिशन पर भेजा गया, अंतरिक्ष दूरबीन, रूस का रॉकेट। तो जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर डी दिया है, वे लोग जानते रहिएगा क्योंकि यहां सवाल आपके परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। तो जितने भी लोग इस प्रश्न को देख रहे हैं, वे सभी लोग इस प्रश्न का जवाब भी देंगे और कमेंट करके ही बताते रहे कि आपको समझ में आ रहा है नहीं। हम थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपका समय भी बचता रहे और हम लोग तेज से पढ़ते भी रहे। कौन सा क्षेत्रफल के आधार पर बृहत्तम है? न्यूजीलैंड उत्तरी द्वीप, दक्षिणी द्वीप न्यूजीलैंड का, जावा, न्यूफाउंडलैंड। अगर 40 की बात करें, इस प्रश्न का उत्तर होगा दक्षिणी द्वीप न्यूजीलैंड का, इस विकल्प के हिसाब से। वायुदाब सबसे कम होता है शीत ऋतु में, वसंत ऋतु में, शरद ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में। तो वायुदाब अगर बात किया जाए, अगर हमारे यहां अगर हम बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में कम होता है, मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या है डी। वरलाग पुरस्कार निम्न में से किस एक वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया था? मोस्ट आईएमपी, मैं चाहूंगा इस प्रश्न का जवाब सभी लोग दें, हम इस प्रश्न का जवाब नहीं बताएंगे। नॉर्मल बोरलॉग का किससे संबंध था? ठीक है, नॉर्मल बोरलॉग का संबंध किससे था और बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है? सभी लोग बताइएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। कृषि विज्ञान सही जवाब। अल्फा अल्फा क्या है? एक प्रकार की घास है, एक जनजाति है, एक पशु है, एक नगर। ये सब आपको ई-लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में आसानी से मिल जाएगा। अगर आप सबने ई-लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स को पूरा पढ़ लिया है तो आप इसे आसानी से कर लेंगे। जितने भी लोग हमारे साथ बने हैं, हमारे साथ पढ़ रहे हैं, अल्फा अल्फा है, सभी लोग जवाब दीजिएगा। अगर हम अल्फा अल्फा की बात करें तो एक प्रकार की घास है। हरा सोना या झूठा सोना क्रमशः किसकी उपमा है? बहुत इंपॉर्टेंट, सभी लोग जवाब दीजिएगा। हरा सोना अफीम को कहते हैं, झूठा सोना की बात करें तो पायरेट्स को कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहां पर है? बरेली, लखनऊ, मथुरा, पटना। तो बरेली में। तो यहां तक कहकर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ठीक, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा इन सभी प्रश्नों का। पादप संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निदेशालय अवस्थित है अहमदाबाद में, हैदराबाद में, फरीदाबाद में, नई दिल्ली में। एकदम आसान सा प्रश्न है, फरीदाबाद शीर्ष प्रश्न का सही जवाब है। धारणी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो सभी लोग जवाब दीजिएगा जितने भी लोग हमारे साथ बने हैं। अगर धारणी विकास की बात करें तो यह प्राकृतिक संसाधन हो जाएगी, बिना देखे आसानी से आंकड़े जवाब दे सकते हैं। स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का एक उदाहरण है, तो सभी से जवाब देंगे तालाब एवं दलदल, झरना एवं नदी, तालाब एवं नदी, उपरोक्त सभी। तो सभी साथी फटाफट जवाब दीजिएगा। स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास की अगर हम बात करें तो तालाब एवं दलदल। तो जितने भी लोगों ने इस प्रश्न का जवाब दिया है उन सबके जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ रहे फिर से नए सवाल की तरफ। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्यता है यह किस आंदोलन का नारा है? अपिको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर क्या होगा? चिपको आंदोलन। पर्यावरण के सवाल है, सभी को आता होगा। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग जवाब दीजिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है सबके लिए। तो जैव विविधता दिवस जो है वो 22 मई को मनाया जाता है। 29 दिसंबर कौन सा दिवस मनाया जाता है कमेंट करके बताइएगा। रामसर सम्मेलन संरक्षण किससे संबंधित है? वेटलैंड्स है, तो वेटलैंड को जो हिंदी में तो जो जानता होगा आसानी से कर लेगा, नम भूमि से है। जी हाँ, प्रिया जी के जवाब सही है। यहाँ पे एकता जी ने भी सही जवाब दिए हैं, मतलब आपको याद है। तो 29 दिसंबर क्या मनाया जाता है कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। ठीक है, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं आपके साथ। तो सभी लोग तैयार है ना? अगला है क्योटो प्रोटोकॉल निम्न से किससे संबंधित है? वायु प्रदूषण से, ग्रीन हाउस गैस से, जलवायु परिवर्तन से, जल प्रदूषण से। तो यहां पर हो जाएगा जलवायु परिवर्तन, शीर्ष प्रश्न का सही जवाब है। शीर्ष प्रश्न क्या है? सही जवाब है। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? निर्माण, खनन, कृषि, मत्स्य। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मानव की कौन सी ऐसी क्रिया है जो जलवायु से प्रभावित होती है? आपको एक कोटेशन याद होगा, मैंने कई बार बताया है कि जो भारतीय कृषि है ये मानसून का जुआ है। भारतीय कृषि जो है ये मानसून का जुआ है, मतलब एग्रीकल्चर। अगर आपने सवाल का उत्तर बी बताए हैं तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है सभी लोग के। ठीक है, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, जब पशु जुगाली करता है तो ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है। जब आपने देखा होगा कि पशु जुगाली करता है तो कौन सी गैस निकलती है जब जुगाली करता है? जैसे गैया भैंसे ब्रश करके मंजन करती हैं, देखते होंगे मुंह से झाग निकलती है। सड़े गले जो सब्जी होती है धान के खेत से, तो वहां पर CH4 निकलती। क्या निकलती है? CH4 माने मैथेन गैस। कौन सा पिछली सदी में पृथ्वी के औसत तापमान वृद्धि प्रदर्शित करता है? 0.8 डिग्री सेल्सियस। सूर्य से आने वाला हानिकारक परावैगनी विकिरण कारण हो सकता है? त्वचा कैंसर, यकृत कैंसर, मुखी कैंसर या मस्तिष्क। तो जो परावैगनी किरण अल्ट्रावायलेट रे जो आती है उसकी वजह से क्या होगा? आसान सा जवाब है, सभी लोग दे लेंगे, त्वचा कैंसर होगा। ठीक, आंख में दिक्कत होगी, त्वचा कैंसर होगा। तो सभी लोगों का उम्मीद करता हूं यहां पे जवाब इधर से क्या होगा? सही होगा। ठीक है, हम नए सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को पहुंचाते रहिए लोगों को। देखिए सभी लोग टेलीग्राम पर, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं टेलीग्राम पर, आप लोग दुर्गेशर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेशर जरूर जुड़िएगा। सभी लोग, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहां पर है? तो सभी लोग आसानी जवाब दे लेंगे, सर अंटार्कटिका के ऊपर है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं भारतीय संविधान की तरफ। ठीक है, नहीं अब हम लोग बढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स की तरफ। 29 दिसंबर वर्ल्ड हार्ट डे, और कुछ बताइए स्मृति जी? 29 दिसंबर कुछ और भी है। संघ सरकार के राजस्व व्यय का सबसे महत्वपूर्ण मद क्या है? सभी लोग जवाब दीजिएगा, ब्याज अदायगी। खुले बाजार की कार्यवाहियां समाहित होती है, सभी साथ जवाब दीजिएगा जितने लोग देख रहे हैं। श्रम नीति नियंत्रण में, राजकोषीय नीति नियंत्रण में, साख नियंत्रण की परिमाणात्मक, जी हाँ, साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधियों में। मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सी। मतलब अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर सी दिया है तो आपके जवाब यहाँ पर सही है सभी लोग का। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है आपके,
रेपो रेट क्या है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, बैंक दर है, SLR है, CSLR है, तो ये सब आपको सेशन जब हम पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको पूरा क्लियर करेंगे। ये मौद्रिक नीति के अंतर्गत आता है, RBI निर्धारित करती है। शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, भारत। तो शून्य आधारित बजट सबसे पहले कहां लागू किया गया था, इस प्रश्न का उत्तर आपके मन में, आपके दिमाग में आना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए, अगर आपने अमेरिका बताया है तो आपका जवाब पूरी तरह से सही है। निम्नलिखित में से कौन एक निजी बैंक, निम्नलिखित में से कौन है निजी बैंक है, प्रश्न नंबर 62 के जवाब सभी साथी सभी मित्र देंगे जितने भी लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं। जी हाँ, अगर निजी बैंक की बात करें तो इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। यहां पे इस प्रश्न का उत्तर ठीक स्टार लगाते हैं। जी हाँ, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। योजना आयोग के स्थान पर गठित नए संस्थान का नाम क्या है? उम्मीद करते सभी लोग जवाब दे लेंगे, एकदम सरल सवाल है, सभी लोग बताइए फटाफट कमेंट करके। उसे नीति आयोग कहते, अब उसका नाम क्या हो गया, नीति आयोग। कब से नीति आयोग पढ़ा है कमेंट करके बताइएगा। वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है निरक्षरता, निम्न आय, बैंक शाखाओं का अभाव। यहाँ पर उत्तर होगा ऑल ऑफ दीज, मतलब अगर आप सभी ने इस प्रश्न का उत्तर डी दिया है तो आपका जवाब पूरी तरह से यहाँ पर सही है। ठीक है, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष भी भारत का प्रधानमंत्री ही होता है। भारत के किस राज्य ने मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन सर्वप्रथम किया? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा मध्य प्रदेश, सी वालों के जवाब यहां पर सही। हम बढ़ते हैं फिर से नए सवाल की तरफ, इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। भारत में योजना अवकाश की अवधि थी, ये मैंने कई बार पढ़ा है और उम्मीद करते हैं कई, अगर आप सेशन में बने होंगे तो आपको पता होगा, यहां पर होगा 66 से 69। राज्यों में किस एक पेट्रो रसायन उद्योग की आदर्श दशाएं पाई जाती, सभी सही जवाब देंगे जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ देख रहे हैं। गुजरात। नायक समिति का संबंध किससे है, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, भारी उद्योग? लघु उद्योग से है, बी वाला जवाब यहां पर सही है। तो यहां तक कि आप लोग स्क्रीनशॉट करते चलिए जितने भी लोग हमारे साथ बने हैं। अगला, भारत के प्रथम उर्वरक संयंत्र कहां लगा था? भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहां पर लगा था? नागल, सिंदरी, आलवे, ट्रांबे। तो नागल में। ई बीज संबंधित है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाणिज्य से, वित्तीय लेन देन हेतु एकल द्वार से, विपणन संबंधी पूछताछ हेतु एकल द्वार से, सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वार से। तो यहां पर होगा सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वार से, सभी लोगों का जवाब यहां पे सही। अगला है, भारत में इरडा नियमित करता है बैंकिंग व्यवसाय, बीमा व्यवसाय, पूंजी बाजार, अंशों का निर्गमन। मतलब इस प्रश्न का उत्तर होगा बीमा व्यवसाय, तो सभी लोग का जवाब यहां पर सही है। ठीक है, हम आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, बैंकरों का बैंक है, तो बैंकरों का जो बैंक है वो आपका RBI है। RBI का फुल फॉर्म तो पता ही होगा, वैट लगाया जाता है प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता पर, उत्पादन के अंतिम स्तर पर, उत्पादन के प्रथम स्तर पर, उत्पादन के अंतिम बिक्री तक स्तर पर। सभी लोग जवाब देंगे जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उत्पादन के अंतिम बिक्री तक के प्रत्येक स्तर पर। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो, डी। अवमूल्यन क्या है, काफी बार ये सवाल पूछा गया है कि अवमूल्यन क्या है, कीमतों की कमी, घाटे की अर्थव्यवस्था, विश्व तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में ऋण, मुद्रा के मूल्य में सोने का आधार पर कमी। यहां पर होगा घाटे की अर्थव्यवस्था, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, हम इकोनॉमिक्स की सीरीज पढ़ेंगे और जल्दी ही हम आपके लिए इकोनॉमिक्स की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, और चाहते हैं अगर आप लोगों की संख्या बराबर रहेगी तो हम उस सीरीज को फिर कंटिन्यू कर पाएंगे और आप सभी के लिए एक बेहतर कल के लिए। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अंदर शुरू हो गया है और हम चाहेंगे आप सभी लोग जितने भी लोग हमारे साथ बने हैं वे सभी इन सभी प्रश्नों का जवाब देते रहिए। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, सीधे जनता द्वारा, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्य के शासकों के नामांकन। ये दोनों तो गलत है, ए और बी में बताइए। अगर ए और बी की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रश्न का उत्तर होगा बी, प्रांतीय विधानसभाओं से। भारतीय संविधान को अपनाया गया
ब्रिटिश संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो यहाँ पर क्या होगा कि भारतीय संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन का आधार है, वैधानिक प्रक्रिया है, विधि द्वारा साधित प्रक्रिया है, दृष्टांत और अभिसमय है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सभी लोग इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। विधि द्वारा साधित प्रक्रिया है, जुडिशरी रिव्यू जो है वो भारत और अमेरिका दो ही देशों में है, केवल दो ही देशों में है भी, यह बात भी आप लोग जानते रहिएगा जितने भी लोग हमारे साथ सेशन को पढ़ रहे हैं। स्क्रीनशॉट कर लीजिए सब लोग प्रश्नों के, साफ दिखाई दे रहा है ना, बहुत छोटा तो नहीं दिखाई दे रहा ना। अगला आपके सामने है कि भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। 380, 60, 312, 51, लगभग अनुच्छेद अगर आपको याद होगा, अगर कभी आपने चर्चा पर चर्चा किया होगा तो 51। भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव किया जाता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। मैं जरूर चाहूंगा इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे सभी लोग जितने भी लोग इस प्रश्न को देख रहे हैं। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, मतलब सवाल का उत्तर होगा बी। तो सभी साथी जवाब देंगे, भारत के 12 प्रधानमंत्री व्यक्तिवार कौन थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीरीज, तो सभी लोग जरूर जवाब दीजिएगा जितने भी लोग हमारे साथ बने हैं। देवगौड़ा जी थे, ठीक है। तो सभी साथी जवाब देते रहिएगा और आगे बढ़ते रहेंगे, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला सवाल आपके ही सामने है, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, एक प्रशासनिक अधिकारी, एक न्यायिक सलाहकार, प्रधानमंत्री का सलाहकार गलत, राष्ट्रपति सलाह देने के लिए कानूनी अधिकारी भी गलत, एक न्यायिक सलाहकार होता है। बी वाला जवाब यहां पर सही है। भारत के संचित निधि से धन निर्गमन पर किसका नियंत्रण है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के वित्त मंत्री, अधिकृत मंत्री, उपयुक्त में से कोई नहीं। सभी लोग जवाब देंगे जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ रहे हैं, जितने भी लोग हमारे साथ देख रहे हैं। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। सभी लोग का जवाब यहां पे लगभग सही है। राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण रखता है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य का वित्त सचिव, उपयुक्त में से कोई नहीं। विधानसभा रखेगी, आपको पता ही है वहां पे संसद होता है। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है, लोकसभा में, राज्यसभा में, पंचायती राज व्यवस्था में, कितना परसेंट, 33%। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकारी किसे कहते हैं, संविधान की व्याख्या करने का अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय है। तो जितने लोगों ने यहां तक इस प्रश्न का जवाब दिया है सबके जवाब पूरी तरह से सही हैं। अगला सवाल आपके सामने है, थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा आपको, भारतीय संविधान के अवशिष्ट अधिकारों को राज्य सरकार को दिया गया है, संघीय सरकार को दिया गया है, संघीय राज्य सरकार दोनों को दिया गया है, न संघीय सरकार न राज्य सरकार। तो यहां पर प्रश्न का उत्तर होगा बी। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर बी बताया तो जो अवशिष्ट अधिकार होते हैं वो किसे दिया गया, संघीय सरकार को दिया गया है। अगला है, राज्य सरकारों को कृषि आय पर कौन समानुदेशित करता है, राज्य सरकारों को कृषि आय पर कौन समानुदेशित करता है, वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, भारत का संविधान, अंतर राज्य परिषद। तो राज्य सरकार कृषि आय पर कौन समानुदेशित करता है, तो भारत का संविधान, इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका सी। अगला है, दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश की थी, राज्य स्तरीय निर्वाचन आयोग के गठन की, लोकसभा के चुनाव की सूची पद्धति के लिए, लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन के लिए, मतलब इस सवाल का उत्तर क्या होगा सी। तो जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर बताया उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही है। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला है, मिलान करना है, वित्त आयोग 280, वित्तीय आपात कभी नहीं लगा है 360, अखिल भारतीय सेवा 312, संविधान संशोधन 368। अब आप लोग बताइए इस प्रश्न का विकल्प क्या होगा, ए का 4, ठीक है उत्तर होगा। ये सारे अनुच्छेद याद करें क्योंकि ये अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रतिदिन क्लास की टाइमिंग पता है आप लोग टाइम से एकदम लाइव रह करें क्लास में, ठीक है, ताकि अगर आप चाहें कि हम और आपके लिए बेहतर लेकर आए तब भी टाइम से लाइव रहेंगे तभी हम आपके लिए कुछ और बड़ा बेहतर कर पाएंगे, ठीक। अगला आपके सामने, कूट मिलान करना है। अब यहां साइंस के सवाल शुरू हो गए हैं। यहां पे उच्च वेग, तरंग दैर्ध्य, दाब, ऊर्जा, ठीक, उच्च वेग मैक,
तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम, दाब पास्कल, ऊर्जा का जूल, एक कर दो तीन चार सी। तो 91 का सभी का सी जिन्होंने बताया उनके सबके जवाब सही है। ठीक है, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा प्रश्नों की। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है हाइड्रोमीटर से, पाइरोमीटर से, विंडवेन से, हाइग्रोमीटर से। जी हाँ, यहाँ पर प्रश्न का उत्तर होगा डी, हाइग्रोमीटर से। क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है? सभी लोग जवाब देंगे जितने भी लोग इस प्रश्न को देख रहे थे। दूरी का, संवेग का, जीवाश्म का, समय की अवधि का, बताइए सभी लोग। समय की अवधि का। अगर आप लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर डी दिया है तो आपके जवाब सही है। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, ये किसका उदाहरण है? बहुत बार सवाल पूछा गया है, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है? दूसरा मेरा सवाल है आप सभी से, और आप सभी इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि वर्षा की बूंदें गोली किसके कारण होती है? वर्षा की जो बूंद होती है किसके कारण वो गोली होती है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा पृष्ठीय तनाव। अगर आप लोगों ने भी इस प्रश्न का उत्तर ए दिया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। तो सभी लोग इस प्रश्न का जवाब ए दे लें और इसके स्क्रीनशॉट अपने पास जरूर रख लें। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पानी का वाष्पोत्सर्जन होता है, ऊष्मानुमोची परिवर्तन, ऊष्माशोषी परिवर्तन, ताप का आदान प्रदान नहीं होता, ऊष्माशोषी परिवर्तन। वातानुकूलन प्रणाली नियंत्रित करती है तापमान को, आर्द्रता को, वायु के वेग को। सभी लोग इस प्रश्न का जवाब जरूर दे लेंगे। जो वातानुकूलन प्रणाली होती है ये क्या करती है? ये तापमान को भी नियंत्रित करती है, ह्यूमिडिटी को भी, और एयर वेग, वायु वेग को भी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी। तो जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है उन सबका जवाब यहाँ पर सही था। हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो आपके सामने है। परमाणु नाभिक के अवयव है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये बहुत सरल सवाल है, एनसीईआरटी के सवाल है सी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? एक्सरे की, टेलीफोन, मोबाइल, पेंसिलिन की। बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बार बार कहूंगा ऐसे प्रश्न को एक नहीं कई बार आप पढ़कर याद कर रट लीजिएगा। पेनिसिलिन इस प्रश्न का सही जवाब है। जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर डी दिया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही है। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए आप लोग नोट संबंधी अगर कोई भी जानकारी चाहिए ई लर्निंग पे दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर काले व्हाट्सएप करके नोट से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? माल्टोज, राइबोज, लैक्टोज, फ्रैक्टोज। हाँ, वर्षा की बूंदी गोली होने के कारण भी पृष्ठीय तनाव है, सही जवाब है। यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? फ्रैक्टोज डी। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सिगरेट के जो लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? मीथेन, प्रोपेन, रेडान, ब्यूटेन। यहाँ पर क्या होगा? ब्यूटेन। सजीवों का प्रमुख लक्षण क्या है? एकदम हलवा सवाल है और सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दे लेंगे जितने भी लोग हमारे साथ देख रहे हैं। वृद्धि, कोशिका भित्ति, न्यूक्लिक अम्ल की उपस्थिति, जीव द्रव्य। इस प्रश्न का उत्तर होगा जीव द्रव्य। तो कितने लोग ऐसे थे जिनका यह कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया? हम इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, इसकी स्क्रीनशॉट सब लोग कर लीजिए। कृष्टि सहायक है श्वसन में, प्रकाश श्वसन में, प्रकाश संश्लेषण में। तो कृष्टि सहायक है श्वसन में। कैफीन क्षारक उपस्थित है नींबू के पानी में, गलत। केवल कॉफी, केवल चाय नहीं, चाय और कॉफी दोनों में। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? 104 के जवाब सभी लोग को देना है। कैंडिडा एल्बिकेंस, साइक्रोमाइसिरीज, सेरेविसी, कैंडिडा स्लूपी, लिकोस्पोरिडियम फ्राइडिडियम। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा सभी लोग बताइएगा। तो साइक्रोमाइसिरीज, सेरेविसी। तो जितने लोग इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है उन सबका जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला है जीवाणु भोज्यों के संबंध में कौन सा कथन सही है? जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं, सही है। जीवाणु भोजन अनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होते भी सही है। तो एक और भी दोनों, मतलब 105 का अगर आपने सी बताया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ते हैं फिर से नए सवाल की तरफ। अगला आपके सामने यूपी स्पेशल का। देखिए यूपी स्पेशल भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है और आपको भी पता होना चाहिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। जीएस की सीरीज में, विविध की सीरीज में आपको यूपी स्पेशल भी पढ़ना है। जालौन, कानपुर देहात, चंद्र विद्या, कुशीनगर। तो नाम जनपद है उनका मुख्यालय है, तो मैं चाहूंगा इसका जवाब जरूर दीजिएगा। संत रविदास नगर,
भदोही, कानपुर देहात, अकबरपुर, जालौन, उरई, कुशीनगर, पडरौना। तो क्या सबके सही है ये? 106 देख लीजिए ध्यान से। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आप सभी के लिए। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? मेरठ में। रट लीजिए, एकदम आसान सा सवाल है। भारतीय साग भाजी अनुसंधान कहाँ पर है? ये भी इंपॉर्टेंट है। कानपुर, आगरा, वाराणसी, मथुरा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सी, वाराणसी। अगर आपने भी वाराणसी बताया तो आपका जवाब सही है। अगला, कौन सा एक उत्तर प्रदेश सरकार की आगामी निवेश परियोजना नहीं है? एकदम हलवा सवाल है, सभी लोग दीजिएगा। थीम पार्क आगरा, मेगा फूड पार्क, टेक्सटाइल पार्क वाराणसी, डिफेंस पार्क शाहजहांपुर। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? सी। वर्ष 2020 में उत्तर प्रदेश कितने आर्द्र स्थल को रामसर साइट में सूचित किया था? ये करंट का सवाल है। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा सात। आप लोगों ने भी इस प्रश्न का उत्तर का साथ बताया तो आपका सवाल सही है। अगला है, कौन सा प्रदेश का पारंपरिक उद्योग नहीं है? चीनी उद्योग है, उर्वरक उद्योग, सीमेंट उद्योग, लेकिन सूती वस्त्र उद्योग पारंपरिक उद्योग में उत्तर प्रदेश के नहीं। किस पक्षी विहार की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी? सांडी, नवाबगंज पक्षी विहार, बरबीरा पक्षी विहार, सवान पक्षी विहार। तो सभी लोग जवाब दीजिएगा, जितने भी लोग देख रहे हैं। नहीं, यहाँ पर रुकिए, एक मिनट रुकिएगा। सूती वस्त्र उद्योग भी हमारे यहाँ, सीमेंट उद्योग भी है, लेकिन उर्वरक उद्योग हमारे यहाँ क्या है? पारंपरिक नहीं है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी। ध्यान से देखते हैं हम लोग कि प्रदेश पारंपरिक उद्योग नहीं है ना, चीनी उद्योग, सूती है, सीमेंट है, क्योंकि कानपुर है यहाँ से। देखिए यहाँ पे कानपुर है, यहाँ पर कानपुर है, इसलिए यहाँ पर होगा बी। पक्षी विहार में सर्वप्रथम की गई थी तो यहाँ पर होगा नवाबगंज पक्षी विहार, मतलब बी वाला जवाब यहाँ पे सही है। जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश में 10 लाख की नगरों की संख्या क्या है? 5, 7, 10, 11। यहाँ पे 10, सॉरी यहाँ पर है 7, 7 होगा। 10 लाख की नगरों की संख्या 7 है। तो यहाँ पर एक बार आप लोग देख लीजिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार महाराष्ट्र में नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक है, उसके बाद है दिल्ली, के बाद पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, के बाद तमिलनाडु। विश्व निम्नलिखित में कौन सा बृहत मानव जमघट नहीं है? नहीं है पूछा, ध्यान से आप लोग को जवाब देना, गलती नहीं करना है। पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिमी यूरोप, दक्षिण अमेरिका। जो कठिन सवाल लगे उसकी स्क्रीनशॉट जरूर अपने पास रखिएगा। दक्षिण अमेरिका। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर डी दिया है तो आपका जवाब पूरी तरह से सही है। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला आपके सामने है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई? नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा। ये भी नोट्स में आपको पूरा पूरा मिल जाएगा, जनगणना के भी नोट्स है। ए, 2020 में भारतीयों की औसत उम्र क्या थी? ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजनल प्रश्न है, इसलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, स्टार लगाते हैं। जीवन प्रत्याशा की बात करता तो सही, लगभग 64 है, लेकिन यहाँ पे ना औसत उम्र की बात किया है, तो अगर जीवन प्रत्याशा की बात करेगा तो लगभग जो आपका है वो है 64.0 कुछ है, मुझे याद नहीं, 64.4 है या 04 करके है। सबसे ज्यादा जापान का लगभग 83 है जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर हम बात करें तब। ठीक है, बाद किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है? जैन, बौद्ध, मुस्लिम, सिख। सिख। यदि कि जनसंख्या की संख्या का 35% के 50% से 12 कम है तो संख्या क्या होगी? आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। ठीक है, सभी लोग टेलीग्राम पर आप दुर्गेश्वर सर्च करिएगा, बिना स्पेस के, ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम पर। नोट संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर बात कर सकते हैं, क्योंकि मेरी क्लास आप सभी के लिए निःशुल्क देशित में राष्ट्रीय में उपलब्ध है। सभी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है,
तो ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा भीड़ भाड़ ज़्यादा है इसलिए हम क्लास नहीं ले पाए। जैसे हमारे भीड़ भाड़ कम होती है, हम आपके लिए थियरी का भी सेशन शुरू करने जा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आप लोग संख्या बढ़ाएं ताकि हम इस समय थियरी के सेशन पर भी ज़्यादा ज़्यादा फोकस करें। देखिए संख्या के का 35% उसके 50% से 12 कम है, तो संख्या क्या है, इसको कैसे सॉल्व करें। देखिए संख्या का 35% माना, वह संख्या यक्स हो गई, यक्स का 35% मैंने 35/100 उसके 50%, ठीक है बराबर, उसके 50% से 12 कम है, तो उसके 50% से 12 कम है, यहाँ पे 12 प्लस करिए तो माइनस कर दीजिए, ठीक इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, आप इसे आसानी से कर लेंगे। इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में देना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन एक नए क्लास के साथ। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक करके रखिएगा, अगर चैनल पर नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। सभी लोग इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है, सभी लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक तो शेयर करने का काम आपकी है, आपकी जिम्मेदारी है। और वीडियो को लाइक करिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो शेयर करिएगा, कोई व्यक्तिगत सवाल है तो लर्निंग विद दुर्गेश के इंस्टाग्राम पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो पूछिएगा, और चैनल पर नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नए सेशन एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ थोड़ा सा भीड़ भाड़ ज़्यादा इस समय हमारे हैं, इसलिए थोड़ी सी क्लास से क्या है, मैं आपको अभी 1-2 दिन और लेकर उसके बाद मैं इस पर थ्योरी में फोकस करूंगा, और सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ इकोनॉमिक्स लेकर आऊँ, ठीक है। अभी फॉर्म भरा जा रहा है, 1-2 दिन और है, इसलिए फॉर्म भर लीजिए आप लोग। चलते हैं, सभी के लिए बाय बाय, ठीक है, बाय बाय सभी को, थैंक यू।